Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CATS Trailers NX CAM Tutorial Series. So friends, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लोर एंड वॉल्स के जो रॉ मटेरियल है उसको किस तरह से रिमूव करते हैं, ठीक है। सो इसके लिए जो हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे, ऑपरेशन यूज करेंगे, वो कौन सा यूज करेंगे, फ्लोर एंड वॉल विद IPW, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर लेता हूँ सबसे पहले। तो कल के प्रोग्राम में हमने क्या किया था, प्लेनर मिल किया था जिसमें हमने फेस को मिल किया था, फेस को फिनिश किया था। तो आप देख सकते हैं इसके एक स्टेप है, यहां पे हमने एंड में क्या किया था, जो कट लेवल से उसमें मैंने डेप्थ ऑफ कट किया दिया था 2 mm दिया था मैंने। 1 mm अगर यहां पे कर दूंगा तो यहां पे 2 लेवल्स आ जाएंगे इसके। वो आप देख सकते हैं इसके कट लेवल्स यहां पे 2 शो हो रहे हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ कट्स आप दे दोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके लेवल्स क्रिएट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन है, हमने क्या करना है, अभी ये जो वॉल्स हैं साइड की, इसका जो रॉ मटेरियल हमने ये फिनिश करना है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑपरेशन में चले जाएंगे और यहां से हम क्या करेंगे, फ्लोर एंड वॉल विद IPW, ठीक है। IPW का मतलब क्या है, इन प्रोसेस वर्क पीस, मीन्स ये पिछले प्रोग्राम को भी रीड करके चलता है और पिछले स्टॉक को भी रीड करके चलता है, ठीक है। तो IPW का मतलब ये है। सो यहां से हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई कट एरिया फ्लोर। तो कट एरिया फ्लोर में जैसे हम चले जाएंगे तो हमें कौन सा फ्लोर सिलेक्ट करना है, ये वाला फ्लोर सिलेक्ट करना है। तो आपने यहां से ध्यान रखना है कि फ्लोर कौन सा सिलेक्ट करोगे, जो भी पार्ट का फ्लोर होगा, ठीक है। पार्ट का जो फेस होगा आपने वही सिलेक्ट करना है, यहां से आपने इसका फेस नहीं सिलेक्ट करना, ठीक है। जो स्टॉक का फेस है उसको नहीं सिलेक्ट करना आपने, ओके। और यहाँ पे आपके पास एरर दिखा रहा है, सम फ्लोर एंड वॉल ज्योमेट्री मे नॉट बी कट बिकॉज ऑफ ब्लैंक IPW एंड स्टॉक सेटिंग, ठीक है। तो यहां से जो स्टॉक की सेटिंग है वो क्या आ रही है, देखिए यहाँ पे टूल जो आपके पास आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। इसका डाया हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। डाया 30 आ रहा है, मैं डिफॉल्ट रख लेता हूँ। प्रोग्राम देखते हैं किस तरह से बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास जो एरर दे रहा है वो किस चीज का दे रहा है, कि टूल एक्सिस जो हमारी वो नॉर्मल टू फेस फर्स्ट आ रही है, मतलब कि जो हमने फेस सिलेक्ट किया यहाँ तक, यहाँ पे पहले कट करेगा, जो हमारा बाकी स्ट्रोक है उसको बाद में कट करेगा, ठीक है। तो अगर मेरा फेस ये वाला है तो इट मीन्स वो एक ही बार में सारा कट कर देगा। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे टूल एक्सिस जो जेड एक्सिस रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वेक्टर भी रख सकते हैं, वो नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे स्पेसिफिक वेक्टर किस तरह से करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे कट पैटर्न आप फॉलो द पार्ट करोगे, परसेंटेज फ्लैट टूल यहाँ पे आप 75% रहने दीजिए और डेप्थ पर कट यहाँ पे 1 mm रख लीजिए, 2 mm भी रख सकते हैं। और यहाँ पे पाथ को जनरेट करके देखते हैं हमारा पाथ किस तरह से जनरेट होता है। तो देखिए आपका पाथ जो है वो इस तरह से जनरेट हो रहा है और इनकम्प्लीट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे पाथ आपका जनरेट नहीं हो रहा, इट मीन्स आपका टूल जो है कहीं ना कहीं इनसफिशियंट है। यहाँ पे टूल जो आपके पास है उसको चेंज करना पड़ेगा आपको। सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यू टूल लेके चल रहे हैं, क्योंकि अगर हम उसे एडिट करेंगे तो प्रीवियस जो प्रोग्राम है उसमें भी सेम टूल चला हुआ है, तो उसे हमें दोबारा रीजनरेट करना पड़ेगा और वहां पे भी सेम यही टूल चल पड़ेगा अगर हम यहाँ पे भी एडिट कर देंगे। तो यहां से हमें क्रिएट न्यू टूल करना है और यहाँ पे मैं क्या लेके चल रहा हूँ, 15 mm का टूल लेके चल रहा हूँ और यहां पे हम इसे जनरेट करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं यहां पे जो आपका पाथ है वो कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए आपका पाथ जो है वो कंप्लीट आ रहा है। तो यहां पे इस तरह से कटिंग हो जाएगी आपकी और इसको वेरीफाई करके देखते हैं हम। तो सिंगल सिंगल जो आपके पास कट आ रहे हैं उनको थोड़ा स्लो करके देखते हैं ताकि हमें कट इजीली दिखाई दें। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से कटिंग हो रही है, सो इसको थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने स्टॉक जो है वो सारा रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रोग्राम जो है यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देन यहाँ पे आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, फॉलो द पेरिफेरी, फॉलो द प्रोफाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रोफाइल भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो प्रोफाइल में भी आपके पास इस तरह से जो है पाथ जनरेट हो जाएगा। बट फॉलो द पार्ट और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस आ जाएगा, देखिए ये एक ही पैटर्न में कट करेगा। ओके सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टॉक जो है आपका यहाँ पे लेफ्ट बचा हुआ है कुछ ना कुछ, ठीक है, बट ये बाहर की तरफ बचा हुआ है और मुझे ये चाहिए भी नहीं है, तो ये दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी। बट फिर भी अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, टूल का जो डाया है उसे फिर अगेन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे हम 10 mm का टूल डाया रख लेते हैं और यहाँ पे जो ओवर स्टेप है हमारा, स्टेप ओवर है, उसे हम 50% यहाँ पे रख लेते हैं। तो इसे पाथ को जनरेट करके देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसका प्रोग्राम जनरेट कर सकते हो, फ्लोर एंड वॉल विद IPW। तो इस तरह से आप फ्लोर और वॉल्स को रिमूव कर सकते हो, स्टॉक रिमूव कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।